सब्सक्राइब कीजिए सास बहु रेसिपीज को, क्योंकि ये सबसे अलग है। हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन ऑथेंटिक रेसिपीज, हाई क्वालिटी वीडियोस, क्रिस्टल क्लियर साउंड, आसान तरीके से समझाए हुए रेसिपीज, हर रेसिपी के साथ इंग्रेडिएंट की लिस्ट। सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, वेलकम टू सास बहु रेसिपीज। आज हम बना रहे हैं खुबानी का मीठा। खुबानी को एप्रिकॉट या जर्दालू भी कहते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ड्राई फ्रूट है। ये एक हैदराबादी स्पेशलिटी है जो अक्सर शादियों और स्पेशल ओकेशंस पर बनती है। ये एक बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी डेजर्ट है और बनाने में आसान भी। चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। इसके लिए हमने लिया है 150 ग्राम जर्दालू या एप्रिकॉट या खुबानी। इनको हमने रात भर भिगोया था। सुबह में ये सॉफ्ट हो गए हैं और इनमें से इस तरह नट्स निकालेंगे और ये नट्स को हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। गार्निशिंग के लिए बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता, एक चौथाई टीस्पून इलायची पाउडर, एक चौथाई टीस्पून जायफल पाउडर, एक चौथाई टीस्पून दालचीनी पाउडर, शक्कर 50 ग्राम, फ्रेश क्रीम गार्निशिंग के लिए और चुटकी भर रेड फूड कलर। सबसे पहले एक बर्तन में लेंगे हम एक कप पानी और इसमें हम डालेंगे हमारे भिगोए हुए जर्दालू। इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे ये अच्छी तरह पक जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। दस मिनट हो गए हैं, जर्दालू काफी सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। अब इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर और जायफल पाउडर। इससे हमारा खुबानी का मीठा बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार हो जाएगा। इसको हम ढककर और 10 मिनट के लिए पका लेंगे। शक्कर अच्छी तरह पिघल गई है। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर फूड कलर। इससे हमारे मीठे का लुक बहुत ही प्लीजिंग हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे मीठे को बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। शुगर सिरप भी बहुत ही राइट कंसिस्टेंसी का हो गया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। इसको हम फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे और सर्व करेंगे। ये हमारा हैदराबादी जायकेदार खुबानी का मीठा तैयार है। इसको हम ड्राई फ्रूट और फ्रेश क्रीम से गार्निश करेंगे और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।